गुल्ली बुल्ली और हॉन्टेड प्लेन हॉरर स्टोरी का पार्ट 5 देखने से पहले अगर आपने इसके पिछले के चारों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर देख लें, वरना यह स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली और जोकर के बीच में लड़ाई होने लगती है और जहाँ गुल्ली जोकर का बाल भी बांका नहीं कर पाता है, वहीं दूसरी तरफ वो जोकर गुल्ली को इतना मारता है कि गुल्ली का सर फट जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और अब आगे हाय, जरा अपने बगल में तो देखिए कौन बैठे हैं, आपके प्यारे दोस्त। अब वक्त आ गया है कि आप इन सभी को गुड बाय बोल दीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में आपके शरीर पर लगा हुआ बम फट जाएगा और उसके फटने के साथ साथ आप भी बिल्कुल टमाटर की तरह फट जाएंगे। वैसे देखा जाए तो आपके मरने के बाद कुछ देर में ये लोग भी आप ही के पास पहुंच जाएंगे, तो अगर आप इन्हें गुड बाय नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। ओए तू मुझे एक बार खोल के तो देख, मैंने तेरी हड्डी पसली एक ना कर दी तो मेरा नाम बदल देना। तू कायर हम लोगों को बांध कर हमें मारना चाहता है, एक बार रस्सियां तो खोल, तुझे तेरी सारी औकात दिखा दूंगा। इन 2.5 किलो के हाथ से तुझे खूब मारूंगा मैं। अरे सब्र कीजिए, आपके इस सपने को हम पूरा करेंगे, क्योंकि आपको हम बम से फोड़ कर नहीं मारेंगे। आप ही ने तो हमारे गेम में बाधा डाली है, आपने हमारे उस गेम में बाधा डाला है जिस गेम को हमारे पूर्वजों के समय से खेला जा रहा है, और ये पहली बार हुआ है कि हमारे गेम में किसी ने बाधा डाली हो, इसलिए हम आपको बम से फोड़ कर नहीं बल्कि अपने इन 250 ग्राम के हाथों से मारेंगे। तब तक आप थोड़ा शांति बनाए रखिए और आगे का नज़ारा देखिए। ओए तू मुझे खोल के तो देख, तुझे तेरे पूर्वजों के पास नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम बदल देना। और तभी वहां पर एक जोर का धमाका होता है, कहीं गुल्ली के ऊपर लगा हुआ बम फट तो नहीं ना गया। अरे ये तो बाबा है। अब आखिर ये कौन से नए मेहमान आ गए? मैं तेरी मौत हूँ। अरे वाह, जरा देखिए तो हमें मारने कौन आए हैं, जिनके खुद के दोनों पैर कब्र में लटके हैं। आप हमें क्या मारेंगे, जाइए अपने बचे हुए 2 दिन आराम से काटिए, यहाँ फालतू में हमारे हाथों मरने मत आइए। वो जोकर इतना बोलता ही है कि तभी बाबा गुल्ली के ऊपर लगा हुआ बम उसके मुंह में फेंक देते हैं और तभी वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। लगता नहीं है कि ये जोकर इस धमाके में बच पाया होगा। और तभी बाबा और गुल्ली कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। पर ये क्या, ये जोकर तो मरने के बजाय और भी ताकतवर बन जाता है। और ये देखकर ये सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े धमाके में तो कोई भी मर जाएगा, तो फिर आखिर ये जोकर कैसे जिंदा बच गया। और इससे पहले कि बाबा कुछ समझ पाते, वो जोकर अचानक से बाबा के ऊपर हमला कर देता है जिससे बाबा जाकर पीछे की दीवार से टकरा जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। आए थे हमें मारने, शायद आप लोगों को पता नहीं है कि हमें मारना बिल्कुल नामुमकिन है, जब तक हम अपनी मौत नहीं चाहेंगे तब तक हमें कोई भी नहीं मार सकता है। और यहाँ पर रॉड, क्योंकि वो एक मामूली इंसान नहीं है इसीलिए उस जोकर की गोली से सिर्फ वो बेहोश हुआ था और उसे अब होश आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे अब कुछ याद नहीं रहता है और वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ आ गया है। तभी वहाँ पर वही डॉगी आ जाता है और उस डॉगी को देखकर रॉड को कुछ कुछ याद आने लगता है और फिर वो डॉगी अपने साथ रॉड को कहीं ले जाता है। आखिर ये डॉगी रॉड को कहाँ ले जा रहा है? और फिर वो डॉगी रॉड को उसी जोकर के पास लाता है और उस जोकर को देखकर रॉड को वापस से सब याद आ जाता है। और वहाँ पर वो गुल्ली और सॉन्ग को भी बंदा देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये जोकर अब इन लोगों को भी मारने वाला है, इसीलिए वो तुरंत उस जोकर के ऊपर हमला करता है। लेकिन इस हमले से उस जोकर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और वो रॉड को एक जोर का पंच मारता है जिससे रॉड दूर जाकर गिरता है। हमने तो आपको मार डाला था ना, तो फिर आखिर आप जिंदा कैसे बच गए? अरे हम तो भूल ही गए, आप तो कोई मामूली इंसान नहीं है, इसीलिए आपके सर में गोली मारने से आपका कुछ नहीं होगा,
हमें तो आपका पूरा शरीर फोड़ना होगा। यहाँ पर वो डॉग सॉन की रस्सियाँ काट कर उसे आजाद कर देता है। उसके बाद सॉन पाजी और गुल्ली की भी रस्सियाँ खोल देता है। ओए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर पाजी जोकर की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन क्योंकि जोकर अब पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, इसीलिए पाजी के हमला का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो पाजी को ही एक जोरदार पंच मारता है, जिससे पाजी नीचे गिर जाते हैं। आप बहुत हेकड़ी दिखा रहे थे, कहाँ गई आपकी सारी हेकड़ी? चलिए ना, हमें मारिए। आप तो हमें हमारे पूर्वजों के पास पहुँचाने वाले थे ना। और तभी वहाँ पर बुल्ली आ जाता है। इस जोकर के दिल पर हमला करो, सिर्फ यही एक तरीका है इस जोकर को मारने का। और पाजी को बुल्ली की कोई बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जोकर बुल्ली की ये बात सुनकर बहुत ही घबरा जाता है। और इससे पहले कि पाजी वापस से उठ पाते, वो जोकर पाजी को मारकर दूर गिरा देता है। उसके बाद वो जोकर बुल्ली के पास दौड़कर जाने लगता है। अरे ये क्या, बुल्ली तो जिंदा है, पर ये तो हमारे सामने कार में ब्लास्ट हो गया था, तो फिर आखिर ये जिंदा कैसे बच गया? और आखिर ये क्या बोल रहा है, इस जोकर के दिल पर हमला करने से ये मारा जाएगा? यहाँ पर बाबा को भी धीरे धीरे होश आने लगता है। और अब बाबा के एक्सट्रीम मोड चालू हो गया है। बाबा देखिए, ये जोकर बुल्ली के पास जा रहा है, अगर हमने इसे सही समय पर नहीं रोका तो ये बुल्ली को मार डालेगा। और ये बात सुनकर बाबा तुरंत ही जोकर के पास दौड़ते हैं और फिर वो जोकर को मारने लगते हैं। लेकिन इस मार का जोकर के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बाबा इस जोकर के दिल पर हमला करिए, सिर्फ यही एक रास्ता है इसे मारने का। और बाबा जैसे ही ये बात सुनते हैं, वो तुरंत ही जोकर के सीने पर हमला करते हैं, जिससे वो जोकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। और आखिरकार बाबा ने जोकर को मार ही डाला। बुल्ली पर आखिर तुम बचे कैसे? तुम तो कार के ब्लास्ट में मारे गए थे ना? नहीं बुल्ली, मैं कार के ब्लास्ट होने से पहले ही नीचे कूद गया था, लेकिन धमाके की वजह से मुझे काफ़ी चोट आई थी और मैं बेहोश हो गया था, और नदी के बहाव में मैं दूर बहता गया, और तभी मुझे उसी चुड़ैल ने उठाया जो तुम्हें प्लेन में दिखी थी। उसके बाद उसने मुझे सारी बातें बताई। उसने मुझे बताया कि उस जोकर ने कई सारे लोगों को इसी खेल में बुलाकर मार डाला है, और अब उन सभी की आत्मा यहीं पर कैद है, और उन सभी को जोकर के मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी। और उसी चुड़ैल ने मुझे जोकर के मरने का रास्ता भी बताया। यहाँ पर पाजी को भी होश आ जाता है और वो तुरंत बाबा के पास दौड़ कर जाते हैं। ओए बाबा, तुसी तो ग्रेट हो, मुझे अपना चेला बना दो, मैं तुमसे लड़ाई सीखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही और स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।